हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आज देखिए न्यू डिज़ाइन की सॉक्स लेके आई हूँ मैं। ये 6-7 नंबर साइज़ है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस पे पतियों वाला डिज़ाइन बनाया है मैंने, तो ये 4 डिज़ाइन बनाए। अगर इससे छोटा चाहिए तो 3 डिज़ाइन बनाइए, अगर इससे बड़ा चाहिए तो 5 बना लीजिए। 6-7 नंबर है ये साइज इसका। तो इसको मैं पहले आपको फंदे डालना बताती हूँ। 50 फंदे डालेंगे हम सिंगल धागे से। देखिए दो कलर ले लीजिए कोई से भी, और ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे फंदे डाल लीजिए 50। और 12 नंबर की सिलाई ली है मैंने, तो ये 50 फंदे मैं डाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड 50 फंदे डाल लिए। अब दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे, ये वाली सिलाई भी उल्टी और अगली भी उल्टी। उसके बाद फिर अगली सिलाई पे दिखाती हूँ मैं। बस सभी फंदों को हमने दोनों साइड से ऐसे उल्टा उल्टा बना लेना है। तो दो सिलाइयाँ बना लीजिए, फिर दूसरा कलर लगाएंगे हम। अब देखिए फ्रेंड एक धारी हमारी ये बन के आ गई। अब उल्टी सिलाई पे हम दूसरे कलर से ये पत्तियों वाला डिज़ाइन बनाएंगे उल्टी साइड से। तो एक डिज़ाइन हम इस साइड बनाएंगे, एक हम इस साइड बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो ये 10-10 फंदों का डिज़ाइन है, ये सॉरी 8-8 फंदों का ये डिज़ाइन है। तो 5-5 फंदे बचते हैं और 3-3 हमारे ये पट्टी के हैं। तो देखिए उल्टी सिलाई पे हम आप दो गोले ले लीजिए ऐसे छोटे छोटे बना के, दोनों कोनों पे हम एक एक गोला ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ऐसे 1 2 8 फंदे बनाएंगे, 3, और ये जो हमारा बेस कलर है इसको हम 7 लेके चलेंगे आगे तक, 4 5 6 7 और 8। और अगले 34 फंदे हम ऐसे इसी कलर से बना देंगे, और अगले कोने पे भी हम 8 फंदे ब्लू कलर के बनाएंगे। तो अगले कोने तक मैं बना लेती हूँ। अब देखिए अगली साइड भी हम दूसरा कलर यहाँ पे जॉइंट करेंगे, और अगले 8 फंदे हम ऐसे ब्लू कलर से बना देंगे, 3 4 5 6 7 और 8। अब सीधी साइड पे जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही हम इनको बना देंगे। देखिए 8 फंदे हमारे ब्लू कलर के हैं और अगले 34 फंदे हमारे जो हमारा बेस कलर है इसके हैं। तो धागा आगे करके इस कलर के बना देंगे। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बना देते हैं, फिर हम उल्टी सिलाई से पत्तियों का डिजाइन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए उल्टी सिलाई पे हम 7 ही फंदे ब्लू कलर के बनाएंगे। अब 2 3 4 5 6 7। अब ए वाला हम पिंक बना देंगे और ए वाला ब्लू बनाएंगे। अब यहाँ से हमारा पत्ती का डिजाइन स्टार्ट हो गया। देखिए इस साइड को हमारा ब्लू बनेगा और इस साइड को पिंक बनेगा ऐसे। और अगली पूरी सिलाई हम लास्ट तक ऐसे ही बना देंगे, और यहाँ पे भी हम ए वाला ब्लू बनाएंगे और ए वाला पिंक बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, एक ही साइड में आपको बना के बताऊँगी। दूसरी साइड आप वैसे ही सेम बनाना, जैसे हम इस साइड बनाएंगे वैसे ही हम दूसरी साइड बनाएंगे। तो जैसे हमने ये बनाए 7 फंदे, तो 7 ही हम यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर अगली बार 6, फिर 2, ऐसे ही हमारे फंदे 6 4 5 4 3 2 1 ऐसे होते जाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में लास्ट तक ऐसे बना लेती हूँ। फिर अगली सीधी सिलाई पे जो जैसा फंदा है हमारा उसको वैसे ही हम बनाएंगे, तो वो मैं आगे बताऊँगी आपको। अब सीधी सिलाई पे देखिए जो जैसा फंदा है उसको वैसे ही बना देंगे। तो 7 फंदे हम ब्लू बनाए देंगे, 3 4 5 6 7। अब धागा पीछे करेंगे तो इसको क्रॉस करेंगे ऐसे, फिर धागा आगे लाएंगे इसको पिंक बना दिया, फिर धागा पीछे करा क्रॉस करा इसको
ब्लू बना दिया। फिर धागा पीछे इसको क्रॉस करा और अगले पूरे फंदे ऐसे ही पिंक के बना देंगे। फिर उल्टी सिलाई पे दिखाती हूँ मैं इस साइड को। अब दो अगले हमारे पिंक बनेंगे, ये दो, एक इस साइड से ब्लू, एक इस साइड से पिंक। ऐसे ही जब तक हमारे तीन फंदे नहीं बच जाते, इस साइड को हमारे पिंक बढ़ते जाएंगे, इस साइड को ब्लू बढ़ते जाएंगे। तो अगली सिलाई पे दिखाती हूँ मैं अभी पूरी सिलाई। जैसे ये हमारे बने वैसे यहाँ भी हम ऐसे ही बनाएंगे। अब फिर से देखिए, अब हम छह ही फंदे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ। अब ये दो हमारे पिंक बनेंगे, ऐसे धागा इस साइड को, और ये दो हमारे पिंक बन गए। अब ये दो हमारे ब्लू बनेंगे, दोनों साइड अब दो दो फंदे हमारे बन गए। अगली बार तीन तीन बनेंगे, तो इस तरीके से पांच फंदे हम यहाँ पे करेंगे। दो बन गए, तीन और फिर पिंक बनाएंगे, यहाँ भी तीन और ब्लू बनाएंगे। ये तीन फंदे हम ब्लू ही छोड़ेंगे, ये नहीं बनाएंगे। तो अगली सीधी सिलाई पे जैसे हमारे फंदे हैं वैसे हमने क्रॉस करके इनको बनाना है। तो अगली सिलाई पे फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अब देखिए फ्रेंड, अब हम यहाँ पे पांच ही फंदे बनाएंगे, ऐसे दो तीन चार पाँच। अब ये तीन हमारे पिंक बन जाएंगे, ये देखिए एक दो तीन, और ये एक दो तीन। तो इस तरीके से ये मैं दो और पांच बना लेती हूँ यहाँ पे पिंक और पांच ही ब्लू। फिर आगे का दिखाती हूँ आपको। अब देखिए फ्रेंड, चार फंदे हमारे ये हो गए, चार ही एक हो गए। अब देखिए दूसरा डिज़ाइन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ए वाला जो है पिंक कलर, ए वाला हम पिंक बना देंगे, और ये जो पिंक है इसको हम ब्लू बनाएंगे। पर पहले हम एक एक डिज़ाइन यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये देखिए दो तीन फंदे हमारे बच गए, ए हम पिंक बनाएंगे, ऐसे ही पिंक बना दिया। एक दो तीन चार हमारे पिंक हो गए। अब ए वाला पिंक जो है ये हम ब्लू बना देंगे। अब हमारा ये चेंज हो जाएगा, इस साइड को हमारा पिंक बन जाएगा और इस साइड को हमारा ये ब्लू बनेगा। बस यही डिज़ाइन हमने बार बार रिपीट करते जाना है, और इसके बाद फिर हमारे ये पत्ती का डिज़ाइन बनता जाएगा। अब हमने ये फंदे ऐसे ही बनाते जाना है ब्लू, और यहाँ से कम होते जाएंगे इस साइड से। ये देखिए अब ए वाला फिर अगली बार हमारा ब्लू हो जाएगा, फिर अगली ये, फिर अगला ये। इनको हम ऐसे ही जो बचेंगे पिंक उनको पिंक ही बनाएंगे, और ये जो ब्लू है अगली बार ए ब्लू पिंक हो जाएगा, फिर अगली बार ए, फिर अगली बार ए, और ये ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। तो हमारा ये पत्ती का डिज़ाइन बनता जाएगा। बहुत ईजी डिज़ाइन है, मुश्किल नहीं है। तो ये पूरी सिलाई ऐसे ही, और सीधी साइड पे जो जैसा हमारे पास फंदे हैं वैसे ही इनको बनाते जाएंगे। तो ये बना लीजिए, फिर आगे का फिर मैं आगे आपको बताऊंगी इसका अंगूठे बनाना और सिलना। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ तक मैंने डिज़ाइन बना लिए हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब एक साइड हम एक बार हम इस साइड अंगूठा बनाएंगे और दूसरी बार हम इस साइड अंगूठा बनाएंगे। तो देखिए अंगूठे के लिए हम 20 फंदे रखेंगे यहाँ पे, वो सीधे सीधे बनाएंगे 15 सिलाइयाँ, ऐसे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। अब यहीं से हम पीछे मुड़ जाएंगे और इन 20 फंदों की हम 14 सिलाइयाँ बनाएंगे। 15वीं और 16वीं में आपको बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए हमारी दूसरी सिलाई हो गई। इस तरीके से 14 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बना लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, 14 सिलाइयाँ लगा ली मैंने, ये 15वीं सिलाई है। तो यहाँ पे हम चार फंदों का एक कर देंगे या तीन का एक, जो भी आपको इजी लगे। पहले थोड़ा इसको लूज कर देंगे। अगर अंगूठा थोड़ा लंबा है आपका
तो यहाँ पे दो तीन सिलाइयाँ और लगा लीजिए सीधी उल्टी, और फिर आगे का दो सिलाइयाँ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाइए आगे के सीधे, फिर लास्ट में भी हम चार फंदे का एक बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे भी हम इन फंदों को थोड़ा लूज करेंगे ऐसे, और इस साइड से चार का एक कर दिया, लास्ट का फिर वैसे ही सीधा बना लिया। अब उल्टी सिलाई पे देखिए, ये जो हमारा पहला फंदा है इसके ऊपर हमने सभी फंदे ऐसे उतार देने हैं, जितने भी फंदे हैं सबको ऐसे एक फंदे पे उतार देंगे, तो हमारे अंगूठा बन जाएगा, यहाँ पे गुलाई आ जाएगी अंगूठे की। अब देखिए लास्ट में फिर ये जो एक फंदा बचा इसको हम एक बार फिर बना देंगे, और थोड़ा सा यहाँ से धागा कट करके फिर इसको बंद करेंगे। अब देखिए धागा काट के, ये देखिए थोड़ा सा धागा काटा हमने, और ऐसे इसके अंदर से, तो ये देखिए ऐसे हमारे अंगूठे की शेप बन गई। अब देखिए ये 30 फंदे हैं, इनके हम इसको सीधी साइड से ऐसे बनाएंगे, 14 फंदे बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और इन दो का पहले हम एक कर देंगे इस सिलाई में, अगली बार हम तीन का इन तीन का एक करेंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं ऐसे सीधी बना लेती हूँ, और उल्टी सिलाई उल्टी, और अगली सीधी सिलाई पे तीन का एक करना बताती हूँ आपको। अब देखिए अब हम 13 फंदे बनाएंगे, पहले हमने 14 बनाए थे इस तरीके, फिर 12, 11, 10 ऐसे बनाते जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अरे 12, 1, 13। अब इन ये देखिए दो फंदे हैं, इनका हमने एक बनाया था पहले, दो ऐसे स्लिप करेंगे इस साइड से ही, और एक, और इन दो को इसके ऊपर से उतार देंगे, तो तीन का एक बन गया। एक बार फिर दिखा दूंगी आपको अगली बार, ये सारे फंदे सीधे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के फिर अगली सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ। अब एक बार फिर से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 12। अब फिर से हम तीन का एक करेंगे, तो इस साइड से स्लिप करेंगे और एक सीधा बनाया, और इन दो को इसके ऊपर से उतार दिया। तो ये देखिए इस तरीके से हम, जब तक हमारे पास 15 फंदे नहीं बच जाते, हम ऐसे ही इनको कम करते जाएंगे, और उसके बाद फिर बंद करना बताती हूँ मैं आपको। अब ये देखिए फ्रेंड 15 फंदे बच गए, तो इन फंदों को हम बंद कर देंगे। अब पहला फंदा स्लिप करा, अगला बनाया, पीछे वाला इसके ऊपर से उतार दिया, ऐसे हम सभी फंदों को बंद कर देंगे लास्ट तक। इसके बाद फिर मैं आपको सिलना बताती हूँ। तो ये मैं बंद कर लेती हूँ सभी फंदे। अब देखिए सिलेंगे हम तो सीधी साइड ऐसे अंदर की साइड करेंगे, और ऐसे पहले बैक साइड सिलेंगे ऊपर से नीचे तक, तो दोनों साइड से ऐसे नीचे तक इसको सिल देंगे,
ध्यान से देखिए, एक फंदा इस साइड, एक इस साइड का, और इसको मिलाते हुए सिलते जाना है हमने, आगे पीछे नहीं सिलना है। जैसे ये इसके अंदर से एक बार ऐसे, और इसको अब बराबर हमने नीचे तक सिलना है। बहुत ही इजी तरीका है ये सिलने का। तो ये मैं नीचे तक ऐसे ही सिल लेती हूँ दोनों साइड से मिलाते हुए। इसके बाद फिर अंगूठे सिलना बताती हूँ। ये देखिए बैक पार्ट पूरा सिल लिया मैंने ऊपर से नीचे तक, और धागा कट कर लिया यहाँ से। अब देखिए पहले हम अंगूठा सिलेंगे, जो धागा बचा है इसी से सिल देंगे, या आप दूसरा भी इसमें यहाँ पे जॉइंट कर सकते हो। इसको हम यहाँ से काट देंगे बाद में। तो देखिए ऐसे मिलाएंगे, इस तरीके से इसको सिलते जाएंगे। तो जहाँ से हमने ऐसे एक बार इसके अंदर से ऐसे सुई डाल के धागा ऐसे जॉइंट करेंगे, और इसको नीचे तक सिल देंगे अंगूठे को, और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम काट देंगे। इसके बाद फिर मैं दूसरी साइड का आपको सिल के बताती हूँ। इसको हमने ऐसे ही बराबर सिलते जाना है। तो ये मैं यहाँ से धागा कट करके फिर आपको ए वाला पार्ट सिलना बताती हूँ। अब देखिए अब ये वाली सिलेंगे हम। तो पहले हम सेंटर में ऐसे धागे को सेंटर तक ले आएंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इसको दोनों साइड से मिलाते हुए सिलते जाएंगे। यहाँ से ऐसे मिलाएंगे इसको और नीचे तक सिल देंगे। आगे हम फिर ये ब्लू कलर से सिलेंगे, नहीं तो ये फिर दिखेगा। तो ये मैं नीचे तक ऐसे सिल लेती हूँ, फिर हम ब्लू कलर से ऊपर तक सिलेंगे। अब देखिए फ्रेंड, दोनों अंगूठे और ये वाला सिल दिया मैंने इसी कलर से। अब ये ब्लू वाला हम ब्लू कलर से सिलेंगे। तो जहाँ तक हमारा पाँव ऐसे फिट आ जाता है वहाँ तक हम इसको सिलेंगे। ऐसे आप पहन के देख लीजिए, जितना आपको कंफर्टेबल आए उतना आप इसको छोड़ दीजिए, बाकी सिल दीजिए। तो देखिए मैं सिलना आपको दिखाती हूँ कैसे सिलेंगे हम इसको। ये जो उल्टा उल्टा फंदा है देखिए, ऐसे ऊपर को उठाएंगे इसको एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी, बस इसी तरीके से ये उल्टा, फिर इस साइड का उल्टा है। देखिए ध्यान से देखिए, उल्टे उल्टे जो दिख रहे हैं ऐसे एक एक फंदा ऐसे उठाते जाना है हमें, एक इस साइड से एक इस साइड से। जितना आपको कंफर्टेबल आए पहनने में, पाँव से निकले नहीं, उतना आप इसको ऐसे सी लीजिए दोनों साइड से। इसके बाद फिर मैं ये सिल के आपको ऊपर जाके इसको पक्का कर देंगे दो बार धागा घुमा के, और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कैसे बन के आया है। अब ये देखिए फ्रेंड, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ।
ये देखिए इस तरीके से हमारी सॉक्स बनके कंप्लीट होती है। तो आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए दोनों साइड पे ऐसे डिज़ाइन बन के आया है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो फ्रेंड एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।